बीकानेर के प्रोफेसर देव अरस्तु पंचार्या को ब्रिटेन के राज परिवार का शाही सम्मान मिला है। देव अरस्तु को इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी ने अपना पूर्ण रॉयल चार्टर शाही विशेषाधिकार के साथ विशिष्ट फैलो घोषित किया है, जो उनके आधुनिक काल के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व होने का प्रमाण है। वास्तविकता में तो यह सम्मान सदियों में कुछ गिने चुने क्षेत्र के महान लोगों को ही मिलता है। पिछले कुछ उदाहरण देखें तो यह सम्मान कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डिकेंस, एडम स्मिथ, स्टीफन हॉकिंग, नेल्सन मंडेला, बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे कुछ बेहद खास चुनिंदा लोगों को दिया गया है। इस तरह का ही पारंपरिक शाही सम्मान पाने वालों में से मेरी क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे नाम भी शामिल है। डॉक्टर देव अरस्तु को अगले आइंस्टाइन के रूप में देखा जाता है और उनका नाम इतिहास के सबसे अधिक बौद्धिक संप्रदाय संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था का भारत सरकार के अनुबंध के तहत कॉपीराइट है, जिनमें उनके 500 से अधिक रिसर्च शामिल है। डॉक्टर पंचार्या के शाही सम्मान की घोषणा होते ही सोशल मीडिया पर प्रोफेसर देव अरस्तु के नाम से ट्रेंड होने लगा है। गौरतलब है कि महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को भी यह राजसी सम्मान मिला था, जो कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित और अतुल्य सम्मान है। प्रोफेसर देव अरस्तु पंचार्या ने अपने नाम को तो इतिहास में दर्ज करवाया ही है, लेकिन साथ ही साथ भारतवर्ष को भी गौरवान्वित किया है। ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी के संरक्षक महारानी एलिजाबेथ खुद है और चुनावी कार्यकारिणी की अध्यक्षता राजकुमार एनी करती है। गौरतलब है कि प्रोफेसर देव अरस्तु को भी चुनावी प्रक्रिया से यह सम्मान दिया गया है। ऐसे क्रांतिकारी वे आइंस्टीन के समान वैज्ञानिक का भारत में होना देश के लिए एक गौरवपूर्ण विषय है। भारत को विश्व गुरु बनाने में इनका योगदान मील का पत्थर साबित होगा। पंचार्या को यह सम्मान मिलने पर अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मदेव समाज रजिस्टर्ड अजमेर संभाग के संरक्षक गोविंद उपाध्याय, प्रभारी शंभुदयाल व्यास, सचिव संजय पारासर, अभिनव IAS अकेडमी जयपुर के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा, जोधपुर संभाग के संभाग प्रभारी विभा न्यूज़ के जोधपुर डिवीजन हेड पारस पंचार्या ने दूरभाष पर पंचार्या को देश व समाज का नाम विश्व पटल पर रोशन करने के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की है। साथ ही अजमेर संभाग प्रभारी न्यास ने पंचार्या को ब्यावर आने का न्योता दिया है। शीघ्र ही तारीख तय कर समाज की ओर से ब्यावर में तथा अभिनव IAS अकेडमी जयपुर में विशाल स्वागत समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहाँ पंचार्या समाज तथा अभिनव अकेडमी के बच्चों को प्रेरणा उद्बोधन देंगे। इस अवसर पर ब्रह्मदेव समाज के प्रदेश प्रभारी पवन कौशिक, मंत्री जयपी शर्मा, संगठन मंत्री घनश्याम शर्मा, श्री महर्षि गौतम शिक्षण शोध संस्थान भुनाबाई के संरक्षक राजा राम शर्मा, राधेश्याम शर्मा, सावित्री प्रसाद गौतम, मंत्री ओम प्रकाश जोशी, उपाध्यक्ष सत्यनारायण गिल, सारावार समाज के अध्यक्ष अंजनी कुमार शर्मा, काली पंडित आदि ने हर्ष व्यक्त किया है।